सभी ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शनिदेव को माना जाता है। जब शनिदेव किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तब वह कम से कम 2.5 या 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे अन्य ग्रह केवल कुछ ही समय के लिए किसी भी राशि में टिकते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्यों शनिदेव इतनी धीरी चाल से चलते हैं? दरअसल इसका संबंध जुड़ा है रावण से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि सभी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसी के साथ दुनिया का श्रेष्ठ विद्वान पंडित भी था। रावण की ये इच्छा थी कि उसका जो भी पुत्र हो वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, साथ ही उसकी दीर्घ आयु भी हो। इसीलिए जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी तब रावण ने इच्छा जताई कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे नक्षत्रों में पैदा हो जिससे कि वह महापराक्रमी और दीर्घायु वाला हो। इसके लिए जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाथ के जन्म के समय शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। उस समय रावण के भय से सभी ग्रह अपनी शुभ स्थिति में आ गए, लेकिन शनिदेव को रावण की यह बात बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं। लेकिन रावण जानता था कि शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे, इसीलिए रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रख दिया जिससे कि उसके होने वाले पुत्र की उम्र लंबी हो सके। लेकिन शनिदेव तो ठहरे कर्मफलदाता, भला वह इतना बड़ा अन्याय कैसे होने देते। इसीलिए जैसे ही मेघनाथ के जन्म का समय नजदीक आया तो उन्होंने इस दौरान अपनी दृष्टि वक्रीय कर ली, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्पायु हो गया। और जैसे ही इस बात का पता रावण को चला वह काफी क्रोध में आ गया, और तब रावण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से शनिदेव के पैर पर प्रहार किया और उनका एक पैर काट दिया। तभी से शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं और इसीलिए वह धीमी चाल चलते हैं, और उनकी धीमी चाल का ही नतीजा है कि वह जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं या तो 2.5 साल तक रुकते हैं या फिर 7.5 साल तक। तो ये थी पूरी वजह कि आखिरकार शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल या फिर 7.5 साल तक क्यों रुकते हैं।